वैसे भी लाइफ में घंटा उखाड़ रहे हो, इससे अच्छा साला सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन दबाओ, ऐसे दबाओ, और मेरा कोई सा भी वीडियो छोड़ना मत साला, दबा दो अब, चलो दबाओ और वीडियो देखो। चार जा तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं विंडो फॉर्मेट करने के लिए, विंडो 7 या विंडो 8 की एक बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं करा, मतलब सब्सक्राइब तो करा ही नहीं आपने, तो प्लीज़ यार वो लाल बटन वाला बटन जो है सब्सक्राइब का दबा दो, और उसके बगल में जो बेल वाला आइकन है वो भी दबा दो। और मैं आपको बस इतना बता दूं कि ये दबाने से आपको यार मैं अगली वीडियो उतनी ही जल्दी लेके आ पाऊंगा अगर आप वो दबाते हो। तो इसके लिए आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पावर आइसो। तो ये सॉफ्टवेयर आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे अभी। और उसके बाद आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास विंडो की इमेज भी होनी चाहिए। तो मैं अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ। तो ये रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर है। इस आपको रजिस्टर करने के लिए इसे $5 पे करने पड़ेंगे, लेकिन अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले आप अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार लीजिए कि जो भी उसमें डाटा है या कुछ भी, अगर डाटा नहीं भी है तो उसे फॉर्मेट मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसे फॉर्मेट मार लिया। तो ये जो है फॉर्मेट हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है, अब टूल्स में जाना है, इसके टूल्स में जाके क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव इस पे जाना है, फिर उसके बाद ओके कर देना है इसे। तो ये दोबारा एक और अपना सेटअप खोलेगा, 5 सेकंड का टाइम लेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, क्योंकि यहाँ पर शो होता है 5 सेकंड बाद। जब ये शो हो जाए उसके बाद कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड। यहाँ से आपको पाथ देना है कि आपकी जो इमेज फाइल है वो किस ड्राइव में पड़ी हुई है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं, मैं 8 GB की पेन ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। तो 8 GB की पेन ड्राइव में मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो डाटा है वो अच्छी तरह से स्टोर हो जाए। लोग क्या करते हैं 4 GB की भी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 4 GB की क्या पेन ड्राइव यूज़ मत कीजिए बूटेबल बनाने के लिए, इससे आप प्रॉपरली डाटा नहीं आ पाएगा उसके अंदर। और उसके बाद मैं दूसरी बात एक और चीज़ बता दूं कि विंडो की जो इमेज है वो क्रैक नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें हार्मफुल सेटअप नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उसे नैरो से ही बनाना। उसके बाद मैंने आप इसे पाथ देने के लिए आ रहा हूँ। तो ये मेरा विंडो 8.1 की इमेज है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, अब इसे स्टार्ट कर देना है और ये ओके। तो अब जो है ये बन गई है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो विंडो की पेन ड्राइव जो बनाते हो आप बूटेबल पेन ड्राइव, तो वो आप उसे बाद में फॉर्मेट करके आप उसमें अपना बाकी डाटा रेगुलर यूज़ में लेके आ सकते हैं, जो आप उसे यूज़ कर सकते हैं बाद में भी। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेड हो रहा है क्योंकि ये जो मेरी फाइल है मतलब पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव वर्किंग नहीं कर रही है। तो ये अब वर्किंग लेना स्टार्ट हो गया है। तो ये 0% है अभी, जब ये 1% और 100% तक हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल दिखा देगा और आपको तब पेन ड्राइव निकाल लेनी है और फिर आप अपनी विंडो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब ये 1% हो गया है। तो गाइस मैं अभी बस इसे यहीं पर कर रहा हूँ क्योंकि ये 100% होने में बहुत टाइम लगेगा। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जब 100% आ जाए तो इसे रोक देना है, ये अपने आप रुक जाएगा, क्लोज करके पेन ड्राइव निकाल लेनी है अपने सिस्टम से। थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट तो जरूर करना यार, कमेंट जो भी दिक्कत आपको आ रही है ना तो प्लीज़ यार कमेंट करना। और इस सॉफ्टवेयर की जो लिंक है पावर आइसो की, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। थैंक यू गाइज़।